राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन की बहाली चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18 और 21 को यथावत अधिनियमित रूप में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में समाहित किए जाने, वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन एवं सेवा शर्तें लागू किए जाने, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किए जाने, वंचित तदर्थ शिक्षकों का विनियमितकरण एवं बकाया वेतन भुगतान आदि राज्य सरकार को पूर्व प्रेषित ज्ञापन तथा प्राइमरी सहित अन्य घटक संगठनों की मांगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशालय विद्या भवन निषादगंज लखनऊ में प्रातः 10 बजे से विशाल धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के आह्वान पर दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को बेसिक शिक्षा निदेशालय निषादगंज लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी पूर्व विमर्शी एवं उत्तर विधान परिषद में नेता शिक्षक दल माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी MLC सहित प्रदेश घटक संगठनों के प्रदेशी और जनपदीय पदाधिकारी तथा सदस्य सम्मिलित होंगे। इस धरने का आयोजन मुख्य रूप से घटक संगठनों की मांगों के संबंध में आयोजित किया जा रहा है। जो ज्ञापन दिए जा चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री को, उन पर कोई कार्रवाई न होने से क्षुब्ध होकर आक्रोशित होकर के ये धरना आयोजित किया गया है। जो माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित जो प्रमुख मांगे हैं, वह है पुरानी पेंशन की बहाली, चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21, धारा 18 और धारा 12 को जो समाप्त कर दी गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में, उन्हें माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में ये यथावत उनको समाहित किए जाने की जाए। इसी के साथ जो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण, वेतन भुगतान जो वित्तविहीन विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन एवं सेवा शर्तें आदि विभिन्न मांगे जो दी जा चुकी हैं, जिनके ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को, उस पर प्रभावी कार्यवाही की मांग को लेकर के ये धरना आयोजित किया जा रहा है।